इतना बड़ा काम कर रहे हैं, दुनिया जान रही है, मीडिया छाप रहा है आपको, सरकार भी है पाकिस्तान की, बड़ी इमदाद हुई होगी, बड़े स्पॉन्सर्स मिले होंगे, बड़े मामलात हुए होंगे, जरा उसका भी तो किस्सा हमें सुनाए। शो शिकायत ही कर रहे होते हैं तो इस तरह से हमें भी कोई आज तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। क्या मतलब अभी तक कोई भी स्पॉन्सर कोई कुछ भी नहीं हुआ है? एनएस एक मिनट रुक जाए यार, सरकार ने रब्ता ही नहीं किया किसी सरकार ने, पाकिस्तान वफाक सूबे कोई बंदा कोई बड़ा आदमी किसी ने तो किया होगा, मुझे लग रहा है झूठ बोल रहा है एनएस। अच्छा तो होता है इस तरह से कि सरकार जो है वो आपको पता है पाकिस्तान में इतने सारे मसले हैं तो उसके ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उनकी वहां होती है, लेकिन हमारे जैसे इनोवेशन के ऊपर फिलहाल शायद उनके पास टाइम नहीं है। नाज़रीन मैं क्यों कह रहा हूँ, एनएस यहाँ बैठे हुए और हम बात कर रहे हैं, अनस ये मुझे बताओ यार, ये छोटा मामूली काम नहीं है, एक्सपेंसिव काम है, इसको करने के ऊपर एक रिसर्च के ऊपर कितने पैसे लगते हैं, प्लस जिस मुल्क में सुई तक नहीं बनती वहां पे एक बायो ने काम बना के और दुनिया को कम्पीट करना, मतलब कि ये बहुत आसान काम नहीं है, हमें 7 साल लगे इस चीज को कम्प्लीट करने में और अभी भी इसके अंदर इम्प्रूवमेंट जारी है। नाज़रीन अनस ने एक दावा किया है मुझे अभी ना यहाँ पे कि सबसे सस्ते जो ये मस्नूई बाजू है वो ये बना रहे हैं, एक आम मार्केट अगर इंटरनेशनल मार्केट की हम बात करें अनस तो इसकी कॉस्ट क्या आती है, कितने से कितने तक पाकिस्तानी रुपीस में बताइएगा, कितने से कितने तक रुपए में ये फरोख किया जाता है आलमी मंडी में, पाकिस्तानी रुपीस कितने बनेंगे अगर तुम मिनिमम मैक्सिमम 5 लाख रुपीस से 60 लाख रुपीस तक का ये प्रोसेटिक पड़ता है ग्लोबली, और अगर हम जो बनाते हैं वो तकरीबन 4-4.5 लाख रुपए में यहाँ पे दे रहे होते हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो इस नेक नियति को ट्रिगर करना पड़ेगा, पैसा हर बंदा कमाता है। अनस इस पूरी स्ट्रगल के अंदर मैं ये जानना चाहूँगा, बड़े बड़े पॉलिटिशियन से भी रब्ता हुआ होगा, मुलाकातें हुई होंगी, तो अब तक कितने कितने सियासतदान किस किस सियासतदान से मुलाकातें हुई हैं ज़रा बताइएगा। सो हम लोग प्रेसिडेंट अलवी साहब से मिल चुके हैं, हम लोग इमरान खान से मिल चुके हैं, इंडिविजुअली तो बहुत सारे हैं, उसके अलावा बिलावल साहब से मिल चुके हैं, उनका थोड़ा सा अच्छा काइंड ऑफ फीडबैक रहा क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब का, हाँ क्योंकि एक तो वो ट्विटर पे हमें थोड़ा सा फॉलो भी करते हैं वाइनिक्स को। नाज़रीन हम जैसे नौजवान जब कुछ काम करने के लिए निकलते हैं तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस में से एक जो बड़ा मसला आता है कि लोग रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं होते, लोग एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं होते और लोग अक्सर ये कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह अपने जुमलों से और दूसरे तरीकों से पीछे धकेल दें। अनस से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, अनस क्या हुआ था जब एक बच्चे जो कि इलेक्ट्रिक की तार से जला था, उसके बाद वो क्या मामला हुआ, सेनेट तक गया? सो बेसिकली हम तो एक एंटरप्रेन्योर्स हैं, काम कर रहे हैं इनोवेशन पे और सबसे ज्यादा जो दिल दुखता है तो बस यही हमारा एक चैलेंज था कि जी जब दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है तो हमारे अपने ही लोग हमें रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रजा है और आप देख रहे हैं वा पाकिस्तान डिजिटल का पॉडकास्ट, आज मेहमान है। उससे पहले मैं उनसे बात करूं, ताबिश हाशमी एक मारूफ एंकर हैं, एक बड़े चैनल पर बैठ कर प्रोग्राम करते, उनकी वीडियो देखी, उनको लगता है कि कराची में जो है वो गुटखा मावा नौजवान ज़्यादा खाते हैं, हर शख्स पेप्सी को पेप्सी बोलता है। मैं आज एक स्टूडेंट के साथ मौजूद हूँ, एक नौजवान है, इनसे सवाल करते हैं कि आखिर क्या माजरा है। ताबिश हाशमी साहब को जो है वो ये वीडियो सामने आई थी। अस्सलाम वालेकुम अनस, कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक ठाक हैं भाई? गुटके मावे क्यों खाते हैं इतने ज़्यादा? अच्छा तो पेप्सी को पेप्सी क्यों बोलते हैं? नहीं मैं पेप्सी को पेप्सी ही बोलता हूँ, जो ब्रांड है मतलब के, पेप्सी क्या क्या कह रहे थे। अच्छा तो फिर ये बताएं ना कि असल में फिर करते क्या हैं आप? सो मैं बायोनिक्स का को फाउंडर हूँ और हम लोग ब्रेन कंट्रोल प्रोस्थेटिक आर्म्स बनाते हैं पाकिस्तान में लोकली, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बनाते हैं बल्कि ग्लोबली रिकग्नाइज भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अचीवमेंट्स की वजह से रिकग्नाइज है। हम 7 साल से ये काम कर रहे हैं, मैंने और अवेस ने स्टार्ट किया था जब हम चैपस में यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो ड्यूरिंग द टाइम हमें एक आइडिया आया कि क्यों ना पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक है, उसके लिए कुछ किया जाए, तो हमने एक कंपनी फॉर्म की विस्कॉस कॉर्पोरेशन के नाम से, और उसी के ड्यूरिंग हमारे पास एक फैमिली ने कॉन्टैक्ट किया जिनका एक बेटा था 5 साल, उसका नाम मीर बयान बलोच था, तो उसका आर्म बाय बर्थ मिसिंग था, तो उन्होंने कहा कि जब आप लोग रोबोटिक्स इंजीनियर्स भी हैं और प्रोस्थेटिक्स मतलब के क्यों नहीं बनाते मेरे बेटे के लिए, तो हमने उसके बाद बायोनिक्स फॉर्म की, और जब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा तो हमें अंदाजा हुआ कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि इस पूरे रीजन के अंदर ऑलमोस्ट 60% डिसेबल पॉपुलेशन रहती है पूरी दुनिया की, और कोई ऐसी कंपनी इस रीजन से नहीं निकली जिसने कभी भी प्रोस्थेटिक आर्म्स बायोनिक आर्म्स स्पेशली।
नाजरी देख रहे हैं ना, सब आसान लफ्जों में उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि यानी कि मस्नूई वो हाथ जो रोबोटिक अंदाज में चलते हैं, उसके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं जो डायरेक्ट ब्रेन से जो है वो कनेक्टिविटी करते हैं और वो परफॉर्म करते हैं वो एक्शन जो शख्स सोचता है, और बिल्कुल वो शख्स डिसेबल होता है। ताबिर शाशपी साहब, हम यही बताएंगे कि ये एक साहब थे जो ये काम कर रहे हैं। मैं इनसे मजीद जो है वो बात करूंगा और जानना चाहूंगा कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितना टर्नओवर है इनका। मेरे साथ रहिएगा, एक यंग है, एक मैं समझता हूँ इंस्पिरेशन है। बहुत सारे नौजवान बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये नेशनल लेवल का मसला नहीं है, ये इंटरनेशनल मामला है। और मसला क्यों कह रहा हूँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक फॉप मैगजीन है, उसने आपको फीचर किया है। ज़रा वो भी नाज़रीन को बताएं कि आखिर उनको क्या मामला, क्या सूझी कि उनको आपको जो है वो फीचर करना पड़ा। थोड़ा सा उसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा। सो बेसिकली फोर्ब्स जो है 30 अंडर 30 लिस्ट हमेशा हर साल एक देता है, और उसके अंदर वो तमाम लोग दुनिया भर से जो अंडर 30 हों और बहुत इनोवेटिव काम कर रहे हों उनको वो शाया करता है अपनी मैगजीन के अंदर। सो हमारा सिलसिला इस तरह से था कि दुनिया के अंदर बायोनिक आर्म्स तो बनते हैं लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। दूसरी चीज ये थी कि हमने उनसे कुछ क्लेम्स किए थे। अच्छा, बाय द वे ये सेकंड टाइम है जो फोर्ब्स में कवर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जानते नहीं है। एक दफा 2018 में भी कवर कर चुका है। सो इसका जो सिलसिला है वो ये हमने क्लेम्स किए थे कि दुनिया में सबसे सस्ते बायोनिक आर्म हम लोग बनाते हैं। दूसरा हमारा क्लेम ये था कि जो बच्चे हैं कम 8 साल से कम उम्र बच्चों को भी हम लोग बायोनिक आर्म दे सकते हैं, जो कि हमारा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगर कोई गूगल करना चाहे तो सर्च कर सकता है यंगेस्ट बायोनिक किड इन द वर्ल्ड, तो उसको आपको पाकिस्तान में मिलेगा। तीसरा क्लेम हमारा ये था कि हमारा जो एनवायरनमेंट है यहाँ पे ह्यूमिडिटी और स्वेटिंग बहुत ज्यादा मतलब कि होती है यूजली लोगों को, तो हमारे वाहिद आर्म्स ऐसे हैं जो कि इस एनवायरनमेंट के अंदर काम कर सकते हैं, बाकी जितने भी महंगे आर्म्स हो वो यहाँ पे काम नहीं कर सकते। तो ये हमारा एक क्लेम था। तो ये तीन क्लेम्स जो हैं उन्होंने वेरीफाई किए, मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स से वेरीफाई किए, और जब उनको पता चला कि नहीं बाकी हमारे जो क्लेम्स हैं बिल्कुल ठीक हैं तो उन्होंने हमें फोर्ब्स के अंदर जगह दी। इतना बड़ा काम कर रहे हैं, दुनिया जान रही है, मीडिया छाप रहा है आपको, सरकार भी है पाकिस्तान की, बड़ी इमदाद हुई होगी, बड़े स्पॉन्सर्स मिले होंगे, बड़े मामलात हुए होंगे, जरा उसका भी तो किस्सा हमें सुनाएं, नाज़रीन भी जानना चाहेंगे। सो सरकार बिल्कुल है हमारी, और जिस तरह से बाकी यंग टैलेंटेड लोग हमारी तरह के शिकायत ही कर रहे होते हैं, तो इस तरह से हमें भी कोई आज तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। क्या मतलब अभी तक कोई भी स्पॉन्सर, कोई कुछ भी नहीं हुआ है? नहीं, सरकार देखिए, सरकार का एक मिनट रुक जाए यार, ये इतना बड़ा काम है नाजरीन, मैं ही बताना चाहता हूँ कि इससे रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। जो जा के बोलते हैं ना IMF हमें पैसा दे दो, IMF हमें पैसा दे दो, हमारे पास करने को कुछ नहीं है, हमारे पास पैसे की जरूरत है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। ये एक नौजवान है जो मस्नूई बाजू बना रहा है और लोगों को ना सिर्फ इंसानियत के ऊपर फायदा पहुंच रहा है, कम कीमत पे उसको बनाकर एंड यूजर तक पहुंचाना एक बड़ा कमाल है। सरकार ने रब्ता ही नहीं किया, किसी सरकार ने पाकिस्तान वफाक सूबे कोई बंदा कोई बड़ा आदमी किसी ने तो किया होगा, मुझे लग रहा है झूठ बोल रहा है नस। अच्छा, तो होता है इस तरह से कि सरकार जो है वो आपको पता है पाकिस्तान में इतने सारे मसले हैं तो उसके ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उनकी वहां होती है, लेकिन हमारे जैसे इनोवेशन के ऊपर फिलहाल शायद उनके पास टाइम नहीं है। हाँ, कुछ दफा लोगों से रब्ते हुए हमारी मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने हमें मशवरे जरूर दिए कि लेट्स सपोज हम कहते थे कि वो कहते थे आर्म महंगा क्यों है, तो हम कहते थे आर्म के अंदर हमें बहुत एक्सपेंसिव मोटर्स लगानी पड़ती हैं क्योंकि मोटर्स हम फिलहाल नहीं बना सकते, तो हमें ये जरूर कहते थे कि जो गाड़ी के अंदर वाइपर वाले Oh my God. अच्छा, मैं पता क्यों कह रहा हूँ नाजरी, मैं क्यों कह रहा हूँ अनस यहाँ बैठे हुए और हम बात कर रहे हैं, अनस ये मुझे बताओ यार, ये छोटा मामूली काम नहीं है, एक्सपेंसिव काम है, इसको करने के ऊपर एक रिसर्च के ऊपर कितने पैसे लगते हैं, कैसे मैनेज कर रहे हो? क्योंकि अगर सरकार आपके साथ नहीं खड़ी तो एक आम आदमी कैसे मैनेज कर रहा है ये सारी चीजें? सो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से मतलब कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, 7 साल से हमने बड़ा अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन किया हुआ है, उसके अलावा हम जो रिसर्च है उसको बड़ा फोकस करते हैं, क्योंकि देखें पाकिस्तान में मसला ये है कि हम ट्रेड करना जानते हैं कि जी यहाँ से मंगवा लिया और भेज दिया, कभी भी हम खुद इनोवेट नहीं करते। जब इनोवेशन की बात आती है तो बहुत दफा आपको चैलेंजेस होते हैं, प्लस जिस मुल्क में सुई तक नहीं बनती वहां पे एक बायोनिक आर्म बना के और दुनिया को कम्पीट करना मतलब कि ये बहुत आसान काम नहीं है। हमें 7 साल लगे इस चीज को कम्पलीट करने में और अभी भी इसके अंदर इम्प्रूवमेंट जारी हैं।
क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि जी आपने एक दफा बना दिया और लेट्स से आप बस खत्म हो गया, आप दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट है। हमेशा उसके अंदर आपको इवॉल्व करना पड़ता है, उसको इम्प्रूव करना पड़ता है, और विद टाइम आप उसकी जो है ड्यूरेबिलिटी, उसकी अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ बहुत सारी चीजें होती हैं तो, और मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे भी आपको लेके चलना पड़ता है, तो हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है इटसेल्फ। लेकिन बस मैं समझता हूँ कि इतने सारे लोग हैं जिनको हमने आन लगाया, उनकी बहुत सारी दुआएं हमारे साथ शामिल हैं जिसकी वजह से हम सस्टेन कर रहे होते हैं, और ना सिर्फ सस्टेन कर रहे होते हैं बल्कि अपनी ग्रो कर रहे होते हैं अपनी इंडस्ट्री को। एक रोबोटिक जो आम आप बना रहे हैं उसकी कॉस्ट टोटल कितने में आ रही है आपको, और कितने में आप फरोख्त करते हैं उसकी भी जरा डिटेल्स हमें बताइएगा। सो बेसिकली हमारा जो एम है इस वक्त वो ये नहीं है कि हम इससे बहुत ज्यादा कोई प्रॉफिट बनाए, बिकॉज प्रॉफिट बना सकते हैं क्योंकि जब हमें पता है कि पाकिस्तान में कोई भी चीज इम्पोर्ट के नाम पे आप बेचें तो वैसे ही बहुत ज्यादा बिकना शुरू हो जाती है और उसके पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन जब आप बताते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान में लोकली बनी है तो वैसे ही लोग चाहते हैं कि बस इसको पैसे दे ही ना तो अच्छा है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारा जो मेन वो है टारगेट है वो ये है कि हम इस प्रोडक्ट को इतना डेवलप कर लें कि हम इसको इंटरनेशनली एक्सपोर्ट कर सकें, और उसके लिए हमें कुछ सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं, कुछ पेटेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो उनके ऊपर हम जो है वो फोकस कर रहे हैं। और पाकिस्तान में हमने कॉस्ट ब्रेक इवन रखी हुई है कि हमें बहुत ज्यादा से कोई फायदा नहीं होता, लेकिन इसमें एक और फायदा ये होता है कि अगर जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे होते हैं। तो ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे देते हो, ये मैनेज कॉस्ट इस तरह से करते हैं कि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं उनके साथ हम मिलकर CSR करके और उसकी फंडिंग अरेंज करके एंड देन वो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दे रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली लोगों को भी इससे फायदा हो रहा होता है और हमें भी जो है एक काइंड ऑफ थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती है। नाजीन अनस ने एक दावा किया है मुझे अभी ना यहाँ पे कि सबसे सस्ते जो ये मसनू बाजू हैं वो ये बना रहे हैं। एक आम मार्केट, अगर इंटरनेशनल मार्केट की हम बात करें अनस, तो इसकी कॉस्ट क्या आती है, कितने से कितने तक, पाकिस्तानी रुपीज़ में बताइएगा कितने से कितने तक रुपए में ये फरोख किया जाता है आलमी मंडी में। सो अगर हम बात करते हैं हमारे जैसे सिमिलर मॉडल की, तो अगर आप गूगल भी करते हैं कि हाउ मच बायोनिक आम वुड कॉस्ट, तो आपको बिल्कुल सामने फैक्ट सामने नजर आ जाते हैं। कम अज कम भी 15,000 to 20,000 डॉलर से स्टार्ट होती है इसकी बेसिक। पाकिस्तानी रुपीज कितने बनेंगे अगर तुम मिनिमम मैक्सिमम 45 लाख रुपीज से 60 लाख रुपीज तक का ये प्रोस्थेटिक पड़ता है ग्लोबली, और अगर हम जो बनाते हैं वो तकरीबन 4.25 लाख रुपए में यहाँ पे दे रहे होते हैं। दूसरी चीज के अंदर सबसे अच्छी चीज ये है कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर कुछ इनोवेशन भी शामिल है, वो इनोवेशन जो मैंने बाकी बताई आपको, उसके अलावा एक ऐसी इनोवेशन है कि हमारा आर्म ऐप के थ्रू कनेक्ट हो सकता है, हमारी बायोनिक्स की ऐप है उसके साथ आप उसको कनेक्ट कर लें और आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप उस ऐप में जाके हम उसको लाइव ट्रबल शूट कर लेते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर से ट्रेवल कर आ रहे हैं, अपना प्रोस्थेटिक लेके जा रहे हैं और अभी उसमें कोई भी खराबी आ जाती है तो हमें रिमोटली हम आपको उसकी ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। तीसरी चीज जो उसके अंदर शामिल है, उसके अंदर AI सॉफ्टवेयर है जो कि एवरी वीक इम्प्रूव करता है अपने सिस्टम को ताकि आप उसको बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकें। अनस, हम आगे बढ़ा रहे हैं बात गुफ्तगू को। देखिए, आपने एक स्ट्रगल की, उसके अंदर आपकी एक स्ट्रगल शामिल है, अभी तक आप स्ट्रगल ही कर रहे हैं मेरी नज़र में, अभी भी आपको इन्वेस्टर्स की जरूरत होगी यकीनी तौर पर, बहुत सी जगहों पर रुकावटों का सामना आना पड़ता होगा कि यार ये चीज़ हो सकती है, सिर्फ ये जो पैसा है ना ये मेरे पास नहीं है तो इतना ये पैसा आ जाए तो ये मशीन आ जाए तो ये, अब अपनी स्ट्रगल से मुझे अखज़ करके बताएं। सरकार के पास भी हम ये वीडियो लाजमी भेजेंगे, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, मिनिस्टर्स हैं, मैं जाती खुद भेजूंगा, जो दीगर कंसर्न लोग हैं, ऐसे नौजवानों को, आप जैसे नौजवानों को कहाँ मुश्किल आती है, अगर वहाँ पर कोई ऐसा सलूशन आ जाए तो आप इस काम को ज़्यादा तेज़ी से कर सकें, और ना सिर्फ ज़्यादा तेज़ी से बल्कि फास्टेस्ट करने के साथ साथ उसके नतज भी आप फ़ौरन जो है वो ले सकें, फाइनेंस इन टर्म्स ऑफ जो चीज़ें हैं। so, वो मुझे बताया सरकार को क्या करना चाहिए, या आम आदमी जो यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेस होल्डर्स हैं, वो ऐसा क्या करे ऐसे नौजवानों के लिए। तो देखिए, अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, जब हमने स्टार्ट किया था तो इंटरनेशनल एग्जीबिशन में हम लोग बहुत ज्यादा जाते थे क्योंकि जितने लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, जब उन्होंने कोई, फिलहाल उनका कोई बिजनेस एक्सपोजर होता नहीं है और वो कभी एग्जीबिशन में इतना ज्यादा गए नहीं होते तो उनको पता नहीं होता इंटरनेशनली क्या है, और हमें बड़े अच्छे ख्वाब दिखाए जाते हैं कि जी पाकिस्तानी तो है ना बहुत, उसकी दुनिया में बहुत ज्यादा इज्जत है और बहुत कुछ है। तो हम जब फर्स्ट टाइम अपना एक चाइटेक्स इवेंट होता है दुबई के अंदर तो वहां पे गए थे, तो हमने बड़ी मुश्किल से उस स्टॉल के पैसे जमा किए, लेकिन हमें यह था कि नहीं यार, हमें पाकिस्तान का एक ब्रांड लेके जो है ना इंटरनेशनल मार्केट में जाना है।
तो मेरा जो पार्टनर है उसका हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ हुआ था, और उस वक्त जो है हमें एक दिन का जो स्टूल था वो कॉस्ट कर रहा था ऑलमोस्ट $35. सो वो जो स्टॉल, वो जो चेयर थी वो 35, ऑल्दो मैं और अवेज दोनों अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमने ये कहा था कि यार अब जितना कैपिटल ले लिया घर से ले लिया, अब हम मजीद इसके अंदर लगाएंगे। तो हमने $35 के अगेंस्ट जो है हम सुबह 7 बजे वॉक करके, दुबई में जिन लोग जो लोग रहते हैं या गए हैं उनको पता होगा कि बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ता है, तो हम वहाँ से वॉक करके जाते थे और सुबह 7 बजे से लेके शाम 7 बजे तक हम खड़े रहते थे। अक्सर तो ऐसा होता था बैठ भी जाते थे, जमीन पे बैठ जाते थे क्योंकि स्टूल्स हमारे पास होते नहीं थे तो, और हम बहुत ज़्यादा थके हुए होते थे। तो हमने इस तरह से स्ट्रगल की, पैसे कलेक्ट किए थोड़े थोड़े करके, और पाकिस्तान से हम कुछ बिस्किट्स लेके गए थे, तो हमारे बराबर में कुछ पॉलिश लोग थे तो हम उनको जाके दिखाते थे यार ये पाकिस्तान से लेकर आए। तो अक्सर शुरू शुरू में तो वो कहते थे कि ये ड्रग्स तो नहीं है कि आप पाकिस्तान से लेकर आए हो, तो फिर आहिस्ता से उनका कंफर्ट जोन बढ़ा और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ हमने कुछ वेंचर्स भी किए, और ना सिर्फ वेंचर्स किए बल्कि पाकिस्तान का एक इमेज बेहतर किया। सो इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं डिफरेंट एग्जीबिशंस में जाके, और खासतौर पे बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपका बड़ा पोटेंशियल होता है उस एग्जीबिशन में जाना, और आपको लगता है कि यार यहाँ से मेरे बड़े कनेक्शंस बन सकते हैं, ग्रोथ हो सकती है, लेकिन आपको अपने फाइनेंस भी देखने होते हैं कि यार अगर वहाँ चले जाएंगे तो फिर पीछे आपके जो फाइनेंसेस हैं वो किस तरह से मैनेज होंगे, तो एक बड़ा क्रिटिकल हो जाता है। जो काम आप कर रहे हो ना अनस, इसके लिए पूरी सरकार ना लोगों को पैसे देती है। ये जो डिप्लोमेट्स हैं ना उसके अंदर बहुत सारे, सिर्फ एक बंदा नहीं होता सिफारतकार, उसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं, उसके अंदर मिलिट्री अताशी होता है, उसके अंदर का बिजनेस कम्युनिटी को देखने के लिए हर मुल्क में। तो बेसिकली कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि सरकार को कोऑर्डिनेशंस को बेहतर करने की ज़रूरत है। हम तनकीद उस तरह नहीं कर रहे, मगर बात यह है कि अगर हमारी कोऑर्डिनेशंस बेहतर हो, हमारे पास मुकम्मल डाटा हो हर सरकार के पास उसके कंसर्न के, भाई हमारे पास इस तरह के लोग हैं और वो प्रॉपर, और उसके साथ सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है नेक नियति, जो मैं समझ रहा हूँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो इस नेक नियति को ट्रिगर करना पड़ेगा। पैसा हर बंदा कमाता है अनस, इस पूरी स्ट्रगल के अंदर मैं ये जानना चाहूँगा, बड़े बड़े पॉलिटिशियन से भी रब्ता हुआ होगा, मुलाकातें हुई होंगी, तो अब तक कितने कितने सियासतदान, किस किस सियासतदान से मुलाकातें हुई हैं ज़रा बताइएगा। सो हम लोग प्रेसिडेंट अलवी साहब से मिल चुके हैं, हम लोग इमरान खान से मिल चुके हैं, हम लोग फवाद चौधरी से मिल चुके हैं जब वो मिनिस्टर थे, अली जैदी साहब से मिल चुके हैं, इसके अलावा हम सीएम साहब से मिल चुके हैं, सीएम पंजाब से मिल चुके हैं, हेल्थ मिनिस्टर राशमीन राशिद जब थी वो उनसे मिल चुके हैं, इसके अलावा केपीके में भी काफ़ी सारे मिनिस्टर्स हैं, इंडिविजुअली तो बहुत सारे हैं, उसके अलावा बिलावल साहब से मिल चुके हैं, उनका थोड़ा सा अच्छा काइंड ऑफ फीडबैक रहा क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब का, हाँ क्योंकि एक तो वो ट्विटर पे हमें थोड़ा सा फॉलो भी करते हैं वायनिक्स को, और दूसरी चीज़ बड़ी अच्छी ये लगी कि जितने भी लोगों के साथ हम मिनिस्टर्स के पास या लोगों के पास जाते थे तो हमें उनको एक्सप्लेन करना पड़ता था कि जी बायोनिक्स क्या है, क्या करता है, क्या बनाता है और कहाँ पे उसकी जर्नी एंड एवरीथिंग। उनके केस में थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि उनके साथ सीएम सिंध भी थे और वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि जी और तो हमें बड़ी मुश्किल से हम उनके पास पहुँचे थे, बड़ा रश हो रहा था, लेकिन ये है कि हमारे साथ एक यूज़र था तो जब उस यूज़र को उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने सीएम साहब को बताया कि जी ये बायोनिक्स है, इससे मिले, ये कराची में होते हैं, ये बायोनिक आर्म्स मैन्युफैक्चर करते हैं और हमें वॉर विक्टम्स में बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है। तो ये एक छोटा सा, ऑल्दो उनसे हमें शायद कुछ बहुत ज़्यादा उस कॉन्फ्रेंस से फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन हमें ये ज़रूर खुशी हुई कि एटलीस्ट उन्होंने रिकग्नाइज़ किया कि हाँ जी हम कुछ काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ फिर उससे ये हुआ कि जब उन्होंने रिकग्नाइज़ किया तो अब रिसेंटली हमने ISPMR है, एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पे जो प्रोस्थेटिक्स पे काम करता है, तो प्रोस्थेटिक क्या बायोनिक ये आर्म्स जो लिम्स, कि एक आम आदमी को समझाने के लिए ना समझाएंगे, आर्टिफिशियल लिम्स सेंटर आप कहते हो, ठीक है, तो उनके साथ अब हमारा एक MOU हमने गवर्नमेंट के साथ किया हुआ है और अब हम उनको 50 आर्म्स हमने रिसेंटली प्रोवाइड किए हैं। तो इससे ये है कि 50 लोग जो पाकिस्तान के खासतौर पर सिंध के जो लोग हैं उनको एटलीस्ट बायोनिक आर्म लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलना शुरू हो गई है। तो ये एक चलें एक नया एक अचीवमेंट है कि पाकिस्तान लेवल पे एक स्टार्टअप और इनोवेशन के साथ जो उस पर काम कर रहा हो उसको एक गवर्नमेंट सतह पे एक एक्सेप्टेंस मिल जाना और अब अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ को आगे भी लेके जाना। बल्कि इनफैक्ट आज ही एक सेरेमनी थी जिसमें हमने इनिशियली 19 आर्म्स जो हैं वो डिप्लॉय किए और अच्छा सा है उसकी न्यूज़ भी अच्छी और आपको नज़र आएगी। नाजिन हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हम यही चाह रहे हैं कि अनस सिर्फ एक नौजवान नहीं,
कई तादाद में इस मुल्क के अंदर कस्बों में, गांवों में, शहरों में ऐसे नौजवान हैं जिनके पास खूब टैलेंट है, जो बेहतर अंदाज में अपने इस मुल्क, बिलखसूस जो हम बोलते हैं ना मेड इन पाकिस्तान, फोकस करते हैं, और जब हम निकलते हैं तो हमें एक सुई नहीं मिल रही होती कि जो हम खुद बना रहे हों, और अपनी ही 18 करोड़ मंडी जो इस मुल्क की है उसके अंदर परचेज या सेल कर सकें। हमारे पास माच बहुत सारी चीज़ें हम बात कर रहे होते हैं ना, तो ये 18 करोड़ मंडी की तो छोड़ दें, बाद हम वहाँ नहीं बेच रहे, हम जाते हैं इजी इंपोर्ट करते हैं, और फिर पता चलता है किसी भी दिन किसी भी सरकार में इंपोर्ट बैन हो जाती है और फिर सारे रो रहे होते हैं। डॉलर का मसला बना होता है, हर ताजर ये तय कर रहा है कि यार डॉलर जब बढ़ेगा तो उसका जो प्रोडक्ट निकलेगा उसके बाद मैं रेट बताऊँगा। बिज़नेस कम्यूनिटी परेशान है। मैं आ रहा हूँ अब काम की बात के ऊपर। रियासत के लोग भी सुन रहे होंगे, हाई ऑफिशियल्स भी शायद हमें सुन रहे होंगे, हम अपने इस मामले को रियासत को कैसे पार्टनर बना सकते हैं। एक चीज़, रियासत मेरे मुल्क मेरे वतन के ऊपर कितने रेवेन्यू आप जनरेट करके दे सकते हैं ये बताएं, और इसको किस तरह इस पूरे अमल को काबिल बना सकते हैं एंड यूज़र जो कि बाहर भी बैठा हुआ है उस तक पहुँचाने तक, ज़रा इसके ऊपर बताइए कितने यूज़र्स हैं आपके पास पूरी दुनिया में। देखें, ये तो एक इटसेल्फ एक ग्लोबल इंडस्ट्री है, प्रोस्थेटिक इटसेल्फ एक पूरी ग्लोबल इंडस्ट्री है, और आने वाले वक्तों में इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होना है हर इंसान की लाइफ के अंदर, बिकॉज इंसानी जो आर्म्स हैं, जो लिम्स हैं, वो एज के साथ साथ जो है वो कमजोर होते जाते हैं और टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती जाती है। तो ये भी एक मिथ है, बल्कि मुझे तो लगता है ये फैक्ट होगा कि आगे चल के खुद लोग अपने आर्म्स या लेग्स हटा के आर्टिफिशियल लिम्स लगाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसकी पावर और उससे बहुत सारे काम थोड़े से इजी हो जाएंगे। दूसरी चीज जो है, अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू की, तो एक दुनिया का एक बहुत बड़ा जायंट है जिसका नाम है ऑटोबॉब, और उसका जो टर्नओवर है, उसका जो रेवेन्यू है, वो जर्मन कंपनी है, वो 4 बिलियन यूरोज उसका रेवेन्यू है। तो आप सोच सकते हैं कि वो एक इंडस्ट्री 4 बिलियन यूरोज बना रही है, तो अगर पाकिस्तान इस तरह की कोई इंडस्ट्री हो, एम्पावर्ड हो, तो वो भी आई एम श्योर, अगर उतने नहीं तो एटलीस्ट अगर 1 बिलियन यूरोज भी बनाए तो पाकिस्तान के लिए वो भी बहुत है। तीसरी चीज जो इसके अंदर आ जाती है वो ये आ जाती है, इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन है जयपुर फुट के नाम से, और वो जो जयपुर फुट है बेसिकली वो लकड़ी के फुट बनाता है इंडिया के अंदर, और उनका जो एक काइंड ऑफ सोशल इम्पैक्ट है इंडिया का, वो ये है कि वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे होते हैं, जिसमें पाकिस्तान को भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे होते हैं। तो इससे होता क्या है कि जब भी उनका प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाता है या जब भी उनका फॉरेन मिनिस्टर वहां पे जाता है, तो वो जाके उस जगह पे बताता है कि हमने इतने लोगों को रिहैबिलिटेट किया है और इंडिया की तरफ से रिहैबिलिटेट किया गया है। तो पाकिस्तान में भी तकरीबन कोई 20,000 या 30,000 लोगों को लेग्स वो लगा चुके हैं, और जब भी कभी प्राइम मिनिस्टर या उनका फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आता है तो वो आके बताएगा कि जी हमने आपके साथ इतना ह्यूमैनिटेरियन काम किया। तो ये चीजें सिर्फ पैसों या रेवेन्यू पे नहीं आप काउंट कर सकते, इसका इम्पैक्ट जो है वो जिंदगी में बहुत ज्यादा बड़ा होता है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अनस की गुफ्तगू से मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि ना सिर्फ हम इससे रेवेन्यू कमा सकते हैं, रेवेन्यू अपने जनरेट कर सकते हैं, परसेप्शन बेहतर कर सकते हैं ना, परसेप्शन अपने मुल्क की। जैसे आप बता रहे हैं वो समझे को ड्रग्स तो नहीं दे रहे, तो ये परसेप्शन है कि जैसे आज अब्दुल सत्तार ईदी को अगर पाकिस्तान के अंदर ना उनका दुनिया में जाना जाता है तो लोग उसको प्रेस करते हैं। हम टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर अपने आप को कहीं ना कहीं हम इन्हीं ऐसे आप जैसे नौजवानों को ही मेरे ख्याल से ब्रांड बना के बेचेंगे ना, पूरी दुनिया में दिखाएंगे, मगर इतने बड़े मासेज में अपनी बात पहुंचाने के लिए उतना ही बड़ा मीडिया, उतनी बड़ी स्ट्रेटजीज, उतनी ही बड़ी चीज़ें प्लान करनी पड़ती है ना, वो आप कर सकते हो ना मैं कर सकता हूँ, मैं और हम दोनों बैठ के पॉडकास्ट तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, शायद 2-4 यूट्यूबर्स भी, बट ये काम मुल्क की सतह का है। मुझे देखने वाले तमाम लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये काम मुल्क की सतह का है, और ये तभी बेहतर बन सकेगा आपके मुल्क के लिए जब आप जैसे बड़े लोग जो इस मुल्क की कर्ता धर्ता हैं वो इस तरफ तवज्जो देंगे, इसके ऊपर भी एक ऐसा थिंक टैंक बना के छोड़ देंगे जो ऑटो पे वो काम कर रहा हो, जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की परसेप्शन को लेकर, क्योंकि दुनिया हमारे ख़िलाफ़ लगी हुई है, दुनिया हमारे ऊपर अपने महाज खोल के रखी हुई है, वो ग्राउंड के हो, वो परसेप्शन के हो, और आप ही लोग कहते हैं 5th जनरेशन वॉर चल रही है, तो इस मामले के ऊपर इन जैसे नौजवानों को किस तरह आगे दुनिया में मार्केट करना है, कैसे बताना है कि मेड इन पाकिस्तान ये चीज़ है,
उसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि अगर ये वीडियो किसी भी तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ हों, बिलावल भुट्टो साहब आप वैसे भी मिल चुके हैं, इस गुफ्तगू को भी उन तक पहुँचाया जाए। अगर आप ट्विटर सोशल मीडिया पर उनको टैग करें, कंसर्न अथॉरिटीज़ पूरे सूबे के जो भी वज़ीर आला हैं उन तक पहुँचाएँ ताकि ये मैसेज जाएँ, भाई एक अनस नहीं इस तरह कितने नौजवान इस वक्त आपके साथ के मुंतज़िर हैं, वो चाहते हैं कि थोड़ी सी कुछ नहीं करें यार, थपकी मार दें अनस, थपकी मार दे। इधर बड़े बड़े लोग जो बैठे हुए हैं, जो पॉलिटिकल इलीट हैं, मैं दीगर उसकी बात कर रहा हूँ, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, उनको क्या करना है, उनको सिर्फ अगर आपको फैसिलिटेट कर दे तो मेरे ख्याल से आपका काम हो जाएगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिर्फ फैसिलिटेट कर दे, नहीं करे यार, पैसा नहीं दे, मगर आपको कहीं कहीं जगहों पे फैसिलिटेट कर दे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। मैं कंक्लूजन की तरफ जाऊंगा। आखिरी में क्या है, बायोनिक को कहाँ देख रहे हो यार? So, हमें लगता है कि और एक सवाल आखिरी मुझे करना है, तो मुल्क तो नहीं छोड़ दोगे? अभी तक तो यही है, 7 साल हो गए, लेकिन ये है कि देखें, मुल्क हमेशा एक जो खौफ है लोगों को कि जी मुल्क छोड़ देंगे या यंग जनरेशन चली जाएगी, वो बिल्कुल है, ड्रेन है, वो फैक्ट है। बिकॉज जब इंफ्रास्ट्रक्चर या वो इकोसिस्टम नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं मूव होते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप जब भी मुल्क से बाहर जाएं या कुछ भी करें तो आप अपना एक ब्रांड क्रिएट करें। मतलब कि अगर बायोनिक्स को हमने पूरी दुनिया में फैलाना है तो हम सिर्फ पाकिस्तान में रहकर तो नहीं फैला सकते, राइट? हमने एक ग्लोबल ब्रांड बनाना है। या फिर अगर लेट्स सपोज जितने भी ब्रांड्स हैं, नेस्ले हैं, यूनिलिवर हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं, ये अल्टीमेटली इन्होंने अपने पूरे फ्रेंचाइज किया, पूरी दुनिया में अपना एक नाम बनाया और आज वो बेशक ऑपरेट वहां से करते हो, अपने मेन कंट्री लैंड से करते हो, लेकिन एटलीस्ट वो ग्लोबल ब्रांड बन गया। जैसे स्पॉटिफाई है, आप मोबाइल खोलते हैं, आप गाने सुनने लगते हैं, तो दीज ऑल आर ग्लोबल ब्रांड्स। तो बायोनिक्स ने भी अपने आप को एक ग्लोबल ब्रांड बनाना है और वो ऑब्वियसली उसकी रूट्स पाकिस्तान में है, उसने पाकिस्तान से ही शुरू करना है। और जिस तरह से हम टोयोटा को जापान से कनेक्ट करते हैं, इस तरह से आई एम श्योर आगे आने वाले वक्तों में बायोनिक्स को भी लोग पाकिस्तान से कनेक्ट करेंगे और अच्छे अल्फाजों में याद रखेंगे। आखिर में बस ये बता दो मुझे, कंक्लूजन की तरफ जाना है कि क्या समझते हो, कोई यूथ को पैगाम देना चाहते हो, क्या करें, किस तरह मैनेज करें? सो यूथ का जो मुझे मेजर प्रॉब्लम नजर आता है वो सिर्फ मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन है। बिल्कुल हालात जिस तरह से हैं वो हर किसी को लाइफस्टाइल मेरे ख्याल से बेहतर करने की जरूरत है। आई एम श्योर उसके बाद चीजें बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और मेरे ख्याल से अगर लोग सिर्फ एक महीना ही इस चीज को प्रैक्टिस करके देखें तो आई एम श्योर काफी सारी चीजें उनकी जिंदगी में बेहतर हो सकती हैं। आखिरी सवाल मैं करना चाह रहा हूँ अनस, कोई भी आता है और कहता है कि जी पूरा सेटअप लगा के देता हूँ, आओ मेरे मुल्क के ब्रांड नेम के साथ काम करो, चॉइस देता है, क्या करेंगे? सो देखें, बड़ा लॉजिकल सा क्वेश्चन है आपका और बड़ा लॉजिकल सा आंसर है, क्योंकि अब के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं दे डोंट हैव एनी बाउंड्रीज। मतलब कि हम दुनिया को ओपन स्पेस देखते हैं, ये इंसान की क्रिएट की हुई बाउंड्रीज हैं, तो हम समझते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है, जब वो एक ग्लोबल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है तो क्यों ना हम इसको किसी एक जगह पे कन्फाइंड करें। हमने क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंसानियत से रिलेटेड है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानियों को ज़रूरत है या इंडियंस को ज़रूरत है या लेट सपोज अफगानिस्तान में या रशिया में या कहीं पर भी ज़रूरत है। हमारा जो सोल्यूशन है वो हर इंसान की ज़रूरत है और हमारा एम ये होना चाहिए कि हमने हर इंसान तक वो चीज़ पहुँचानी है। नाज़रीन, हम जैसे नौजवान जब कुछ काम करने के लिए निकलते हैं तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस में से एक जो बड़ा मसला आता है कि लोग रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं होते, लोग एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं होते और लोग अक्सर ये कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह अपने जुमलों से और दूसरे तरीकों से पीछे धकेल दें। अनस से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। अनस, क्या हुआ था जब एक बच्चे जो कि इलेक्ट्रिक की तार से जला था, उसके बाद वो क्या मामला हुआ, सेनेट तक गया फिर भी लोग कहने लगे नहीं और आज दुनिया आपको जान रही है, तो उसकी तकलीफ क्या थी वो बताइएगा और उस वक्त आपने क्या स्ट्रगल की, जरा उस पर भी जरा आज ना थोड़ी गुफ्तगू खुल के कर लें। सो बेसिकली हम तो एक एंटरप्रेन्योर्स हैं, काम कर रहे हैं इनोवेशन पे, और सबसे ज्यादा जो दिल दुखता है ना वो ये नहीं हो दुखता कि आप सपोर्ट करें, आप देख दिल इस बात का दुखता है कि जब आपको कहेंगे जी आप तो ये काम करते ही नहीं है या काम होता ही नहीं है या झूठ बोल रहे हैं, तो ये चीजें बड़ी ज्यादा जो है ना वो हर्टिंग होती है। तो इस तरह का एक केस था, एक बच्चा था, उसके आर्म दोनों इलेक्ट्रिक्यूशन से जाया हो गए थे और एस्नाबाद में वो था, बहुत वायरल हुई थी, काफी ज्यादा हुई थी और उसके दोनों आर्म शोल्डर से अनफॉर्चुनेटली चले गए थे। तो उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे सोल्यूशन डेवलप करना, क्योंकि हमारा जो टारगेट था जब हमने काम शुरू किया था तो लोगों ने हमसे कहा था कि जी आप हाथ क्यों बनाते हैं, क्योंकि हाथ तो गरीबों के कटते हैं, टांगे अमीरों की कटती हैं क्योंकि डायबिटीज ज्यादा होती है।
तो हमने कहा नहीं जी, हम अगर हम ये काम छोड़ देंगे तो कौन करेगा, तो हमने आर्म्स का सोल्यूशन पूरा शोल्डर का कंप्लीट किया। क्यों सोल्यूशन, मतलब मुझे बताइए क्या फैमिली और कैरेक्टर के दरमियान क्या मुआहदा हुआ था जिसकी वजह से आप पाकिस्तान में? बेसिकली उनकी मेरे ख्याल से कुछ इस तरह की टर्म्स थी कि प्रोस्थेटिक उनको वो बिल्कुल देंगे, और वो प्रोस्थेटिक देंगे जो पाकिस्तान में बना हो, मतलब कि बाहर से नहीं पाकिस्तान में लोकली बनाओ। तो हमने वो चीज बना ली थी और हमने क्लेम किया था कि जी हम इस बच्चे को आर्म्स दे सकते हैं। तो फिर वो मामला सेनेट में गया, क्योंकि वो हमें सेनेट में गया जी, सेनेट में कोई 3-4 हियरिंग हुई हमारी ह्यूमन राइट कमीशन के साथ। उसमें क्या गुफ्तगू होती थी? उसमें बस ये होता था कि हम अपने आप को जस्टिफाई करते थे कि हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम 2016 से काम कर रहे हैं, हमारे पास सोल्यूशन है। और हम ये नहीं कहते थे कि हमसे ही ले, हम कहते थे कि आप बेशक हमसे ले या ना ले, लेकिन हमें ये ना कहें कि आप कर नहीं सकते। तो वो हम जो है ना, वो चार मीटिंग्स हमारी हुई वहां पे। फिर आखिरी दफा तो उन्होंने कहा कि जी ये फैमिली और मतलब यही आपस में रिजॉल्व करे, और ये सिंध गवर्नमेंट की तरफ चला गया मामला, वो अपने हिसाब से हैंडल कर रहे हैं। लेकिन हमें इस बात पे दुख होता था कि जब दुनिया हमें रिकग्नाइज कर रही है और हमारे अपने लोग हमें रिकग्नाइज नहीं कर रहे। वेट अ मिनट, मतलब वो हाथ फिर नहीं लग सका? हाँ नहीं, वो अब तक नहीं लग सका। वो बच्चा वैसे ही जिंदगी गुजार रहा है, कोई 4-5 साल से वैसे ही जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन ये है कि हमें उम्मीद है कि हमसे नहीं तो कहीं ना कहीं से इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन। नहीं बॉस, ये बहुत बड़ा मसला है, वो भी बताते हैं फिर। जो दुनिया ने आपको एक्नॉलेज किया जब अफगानिस्तान में आपने हाथ लगा के लिया बच्चे का, वो भी दुनिया देखे जरा, उसके ऊपर भी बात करें ना थोड़ी सी। उससे चंद महीनों पहले हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया था, जिसमें हमने क्लेम किया था कि हमने दुनिया के सबसे छोटे बच्चे को जो बायोनिकॉम यूज कर सकता है उसको हमने लगाया। वो बच्चा बेसिकली 4 सदा से था और उसको उर्दू नहीं आती थी, तो वॉइस ऑफ दीवा जिस तरह से वॉइस ऑफ अमेरिका है, इस तरह से वॉइस ऑफ दीवा ने उसको कवर किया और पश्चिम में कवर किया। नहीं, 4 सदा पाकिस्तान के भी, वॉइस ऑफ दीवा अफगानिस्तान का था जी। वॉइस ऑफ दीवा चैनल जिस तरह से पाकिस्तान में वॉइस ऑफ अमेरिका है, इस तरह से वॉइस ऑफ दीवा अफगानिस्तान का है, और यूजली पश्तो में ही कंटेंट क्रिएट करता है। तो उसने जब क्रिएट किया तो तकरीबन कोई 2-3 दिन के अंदर 9 मिलियन व्यूज हो गए उसके ऊपर, और डिबेट 9 मिलियन व्यूज 35,000 कमेंट्स उसके ऊपर हो गए। और उसमें लोग पश्तो में आपस में क्या डिबेट कर रहे थे कि जब ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास मौजूद है तो ये हमें क्यों नहीं दी जाती, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छे से वॉर रही है और बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं। तो फिर वॉइस ऑफ दीवा को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई कि आप स्पेशली जाके बायोनिक्स को कवर करें, पश्तो में ही कवर करें, और बताएं कि ये गवर्नमेंट लेवल पे नहीं काम हो रहा, ये प्राइवेट लेवल पे हो रहा है। ताकि एक टेंशन बन गई थी कि जी एक चीज होते हुए पाकिस्तान नहीं दे रहा, तो वो फिर उन्होंने कवर किया और उसके बाद वो चीज डस्ट जो है वो थोड़ी सेटल डाउन हुई। लेकिन इस तरह से ये है कि जैसे डॉचे वैले ने हमें 3 दफा डॉक्यूमेंट्रीज हमारे ऊपर बनाई और हमें बड़ी खुशी होती थी, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हम जब डिस्कवरी चैनल देखते थे तो एक बड़ी अच्छा सा साउंड बैकग्राउंड पे आ रहा होता था और टेक्नोलॉजी दिखा रहे होते थे, तो हमें खुशी होती थी कि काश हमारे ऊपर भी ऐसे डॉक्यूमेंट्री बने। तो उन्होंने बनाई और बड़ा हमें अच्छा, आज भी अच्छा लगता है देख के। तो बस यही हमारा एक चैलेंज था कि जी जब दुनिया रिकग्नाइज कर रही है तो हमारे अपने ही लोग हमें रिकग्नाइज नहीं कर रहे, और ये बड़ा एक मतलब कि हमें अभी भी हर्ट करता है, तकलीफ है जी बिल्कुल। मतलब आप एक काम कर रहे हैं और दुनिया आपको रिकग्नाइज कर रही है तो ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि बल्कि इनफैक्ट एक और न्यूज मैंने अभी शायद शेयर नहीं हुई, अभी हम रिसेंटली दुनिया के 980 स्मॉल बिजनेसेस में से टॉप 5 में हम आए हैं। वाओ, ये एक बड़ी चीज है, अचीवमेंट है। इसके अलावा हम लोग 100 मीनिंगफुल बिजनेसेस इन द वर्ल्ड के अंदर शामिल हैं 2022 के अंदर। तो ये कुछ इंटरनेशनल ग्लोबल अचीवमेंट्स हैं हमारी, जो हम मतलब टाइम टू टाइम पाकिस्तान को आगे लेके जा रहे होते हैं। नहीं बिल्कुल जी, सरकार को थोड़ा सा फुर्सत मिल जाएगी, बहुत सारे सियासी मामला उनके ऊपर ज़रा प्रेशर ज़्यादा हैं, वो जब मिलेंगी तो हम उम्मीद करेंगे सरकार से कि वो आप जैसे नौजवानों की भी हौसला अफजाई करें, कम से कम अगर कुछ और नहीं कर सकती। मुख्तलिफ गुफ्तगू कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, दीगर सवाल के ऊपर भी जाएंगे और उम्मीद करेंगे कि इस तरह के नौजवानों को जो है वो मज़ीद जो है वो हौसला अफजाई हो। ताकि मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ यार मुल्क का थोड़ा सा जो है वो नाम रोशन हो जाए, क्योंकि जब ये ऐसे नौजवान बाहर में भी जा रहे होते तो देखें ना उनको किस तरह नज़रों से देखा जा रहा था, क्योंकि परसेप्शन ये बना दी है। अब उसमें कितनी परसेंट हमारी गलतियां हैं, हमारी सरकार की गलती है, और कितनी परसेंट दुनिया और हमारे दुश्मनों की गलती है। उसके अलावा यार हमें भी तो, हमारे दुश्मन है दुनिया में सबके होते हैं दुश्मन, हमें भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। डिफेंस ये भी एक बहुत बड़ा डिफेंस होता है, इसके ऊपर भी, इस डिफेंस के ऊपर भी जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। और
अगर हम इस डिफेंस जो कि परसेप्शन के ऊपर है और फिफ्थ जनरेशन वॉर और इस तरह की चीज़ों के ऊपर है और टेक्नोलॉजी के ऊपर है, ये बताना कि हम क्या कर रहे हैं, इस को भी अगर इसको भी डिफेंस समझ लिया जाए तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारी बेहतरी आ सकती है। अनिस अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दो, अगर कोई रब्ता करना चाहे तो कैसे कर सकता है बायोनिक्स से रब्ता। सो बायोनिक्स से रब्ता बहुत ईजी है, हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है 0330600783, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट है बायोनिक्स की bionics.org, उस पर जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाज़रीन तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे, अनस थे, एंटरप्रेन्योर हैं, बात कर रहे थे, मसाइल पे भी बात की, किस किस से मुलाकात कर चुके हैं, कितना आगे बढ़ सकते हैं ऐसे नौजवान, अगर रियासत के लोग करता धरता इन पर भी तवज्जो दें, IMF हो सकता है कि उस तरह रोना नहीं पड़े उनके सामने, अगर हम अपने ही लोग अपनी ही चीज़ के ऊपर एम्फसाइज करें, मेड इन पाकिस्तान के ऊपर फोकस करें और चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये लोग आपसे रेवेन्यू नहीं मांग रहे, ये आपका साथ चाहते हैं, रियासत के उन लोगों का जिनकी तवज्जो शायद किसी और जगह पर मरकूज़ है, उस तवज्जो को रखें अगर रखना चाहते हैं, मगर साथ साथ इस तरह के जो नौजवान हैं उनके ऊपर भी तवज्जो दे दें, बड़ी नवाजिश होगी। आप देख रहे थे वाह पाकिस्तान डिजिटल का पॉडकास्ट, अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो मैं दरख्वास्त ये करूँगा कि इसको शेयर लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल वाह पाकिस्तान डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लें। जज़ाकअल्लाह।